हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ब्लॉग टाइम। तो आज मैं आई हूँ सोनपुर मेला। सोनपुर मेला के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये मेला भले ही पशु के नाम से विख्यात है, लेकिन इस मेले की खासियत यह है कि आप यहाँ पर हाथी से लेकर सुई तक भी खरीद सकते हैं। तो आइए हम लोग सोनपुर मेला का सैर करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं सोनपुर मेला के गेट नंबर फर्स्ट पे, और ये है फिल्म महोत्सव। यहाँ पर महिलाओं और किशोरियों के लिए प्रोग्राम कराया जाता है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर और सोनपुर मेला को विजिट करते हैं। इस मेले में आपको खाने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको हर जगह पर जलेबियाँ, मिठाई और यहाँ का जो प्रसिद्ध मीठा चीज़ होता है या खाने का चीज़ होता है वो आपको हर जगह पर मिलने वाला है। तो खाने के लिए नो टेंशन। तो क्यों ना खाते खाते इस मेले के बारे में कुछ जान लिया जाए। सोनपुर मेला कार्तिक महीने के पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, जो कि पूरे एक महीने के लिए रहता है। यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले में आपको सारी वस्तुएं मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, सुई से लेकर हाथी तक। तो आइए ये मेला क्यों लगाया जाता है हम इसके बारे में जानते हैं। यह मेला जंगी हाथियों का बहुत बड़ा केंद्र था, लेकिन अब यह हाथियों को बैन कर दिया गया है। दरअसल मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल शासक अकबर और 1897 के गदर नायक वीर कुंवर सिंह ने भी इसी मेले से हाथियाँ खरीदी थी, इसलिए यह मेला और भी प्रसिद्ध हो गया। तो इस मेले के बारे में तो हम लोग ने जान लिया, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेडी बियर और भी मूर्ति, चिप्स, पापड़, झूले, कपड़े, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सुई से लेकर हाथी तक। तो आप चलिए और देखते रहिए यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले भी लगाए गए हैं और बड़ों के लिए बड़े बड़े झूले। कुछ ही दूरी पर हम लोग को फूड स्टॉल मिलने वाला है, जहाँ पे आप अच्छे अच्छे चीज़ को खा सकते हैं। तो मेला घूमने के दौरान मुझे एक चीज़ मिली, बिहार में पहली बार मैजिक आइसक्रीम। यह बिहार में पहली बार लगाया गया है, तुर्की आइसक्रीम, जिसके बारे में आपने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के में सुना होगा। इस आइसक्रीम को मैजिक आइसक्रीम भी कहते हैं। ये यहाँ पर 99 रुपये का मिलता है, तो आप यहाँ पे आकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मॉडल बनाए गए हैं जिनमें पर्यावरण से रिलेटेड इस मॉडल में दिखाया गया है कि हमें पर्यावरण को किस तरह से बचाए रखना चाहिए। अगर आप सोनपुर मेला आए हैं और झूलों का आनंद नहीं लिया तो सोनपुर मेला आपका आना वेस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ का जो झूला है वो एकदम मज़ेदार है। अगर आप झूलों में झूला झूलने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर यहाँ पर झूला झूलें। आप झूला झूल लिया और खाना भी खा लिया, आप चलते हैं वर्ल्ड फेमस पशु मेला में आए हैं और पशु को नहीं देखे तो फिर ये भी बेकार है। तो अभी हम लोग आ गए हैं कुत्ता बाज़ार। यहाँ पे आपको हर ब्रीड का डॉग मिल जाने वाला है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे पपीज से लेकर बड़े बड़े बुलडॉग भी मिल जाने वाले हैं। तो आइए हम लोग डॉग्स को देखते हैं। यहाँ पर जो पपी का रेट है वो 5000 पर पपी है, और हर ब्रीड का अलग अलग प्राइस है। तो आप यहाँ पे आकर पपीज ख़रीद भी सकते हैं और अपने घर लेके जा भी सकते हैं। तो चलिए अभी और देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉगी लेने के लिए कितने लोगों की भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पर डॉगी को लेने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आएँ पशु मेला और यहाँ से डॉगी लेके जाएं। वही वाला लीजिएगा, 450 आएगा यह वाला, 150 का, ये 250 का आएगा।
सोनपुर मेले में अद्भुत से आकर्षक मछलियों की प्रदर्शनी, बाजार मां पिराना मछलियों से लेकर के फ्लावर हाउस तक की 20 से 25 मछलियों की प्रदर्शनी मात्र 10 रुपए। आपका ध्यान किधर है? मछलियों की प्रदर्शनी मात्र 10 रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। आपके शहर सोनपुर मेले में अद्भुत से आकर्षक मछलियों की प्रदर्शनी, बाजार मात्र 10 रुपए। प्रदर्शनी मात्र 10 रुपए। तो जिस तरह आपने देखा, मात्र 10 रुपए में आपको यहाँ पर मछलियों का शो दिखाया जा रहा है। और मैंने यहाँ पे एक गेम खेला था जिसमें मुझे अपना लक आजमाना था। इसमें मुझे नंबर कलेक्ट करना था जिसके अकॉर्डिंग मुझे प्राइज मिलने वाला था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। और साथ ही मैंने मेला में घूमते घूमते इस आदमी को देखा और ये देखा कि ये आदमी लड़की का बाल कितने अच्छे तरीके से बना रहा है, जिससे मुझे पता चला कि ये अपने घर में भी अपनी बीवी का बाल अच्छे से बनाता होगा। तो मेले में आए और डांस ना देखा, ये भी बेकार है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डांस देखते हैं। और अगर आपको डांस देखने में और हमारा वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।